एक्टिविटी बोलते हैं. सो रेडियो एक्टिविटी इज स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन कॉमा अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल एक्सेट्रा फ्रॉम न्यूक्लियस. इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम? रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं. सो स्पॉन्टेनियस मतलब खुद ब खुद होते हैं, एमिट होते हैं ना. स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन और अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल एक्सेट्रा फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये जो फिनोमेना होती है ये रेडियो एक्टिविटी है. अब बात कर ले रेडियो एक्टिविटी कैसी फिनोमेना है, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है. रेडियो एक्टिविटी इज अ स्पॉन्टेनियस रैंडम फिनोमेना है. ये किस पे डिपेंड नहीं करती? एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती, जैसे प्रेशर पे टेम्परेचर पे, ये सब फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती है. तो रेडियो एक्टिविटी इज अ, यहां पे अपन लिखें, इट इज अ रैंडम स्टैटिस्टिकल फिनोमेना विच डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स. जैसे आपका कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर हो गए? टेम्परेचर प्रेशर. ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा. बट इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करेगी. किस पे डिपेंड नहीं करता ये? टेम्परेचर प्रेशर ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा, जो एक्सटर्नल कॉजेस हैं उस पे इसकी डिपेंडेंसी नहीं है. तो इट इज अ रैंडम एंड स्टैटिस्टिकल फिनोमेना विच डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर टेम्परेचर प्रेशर ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा, बट इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल. ठीक है, तो रेडियो एक्टिव मटेरियल आप कैसा ले रहे हो इस बात पे डिपेंड करती है. क्लियर हो गया अभी इतना? हेलो, क्लियर हो गया? एंड देन आगे बढ़ते हैं अपन इसी पे. रेडियो एक्टिविटी लॉ हम यहां पे अब डिस्कस कर रहे हैं. रेडियो एक्टिविटी लॉ, नाउ दिस इज पेज नंबर 2. रेडियो एक्टिविटी लॉ. हाँ, लॉ क्या है यहां पे? तो रेडियो एक्टिविटी लॉ ये है, यहां पे ध्यान देना, मैं सिचुएशन ऐसी बना रहा हूं. सपोज ये कोई सैंपल है एंड टी इक्वल्स टू 0 पे ये अनडीकेड न्यूक्लियाई है इस सैंपल पे. तो एन नॉट इज नंबर ऑफ अनडीकेड न्यूक्लियाई. टी इक्वल्स टू 0 पे कितने हैं? एन नॉट इसमें अनडीकेड न्यूक्लियाई है. तो आफ्टर सम टाइम, आफ्टर एनी टाइम टी पर यहां पे कुछ न्यूक्लियाई डीके हो जाएंगे. सो नाउ एट टाइम टी पर कौन से डीके होंगे ये हम भी नहीं बता सकते या हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, रेडियो एक्टिविटी में कौन से डीके होंगे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. जैसे वो आप गेम खेलते ना क्रॉस बनाने वाला, तो भाई पहली बार कौन क्रॉस बना रहा है? जैसे ये मैंने क्रॉस बना दिया, ये क्रॉस बना दिया, तो मान लो ये दो एलिमेंट या फिर दो न्यूक्लियाई यहां पे डीके हुए. ठीक
ठीक है ना। तो रैंडम प्रोसेस है, रैंडम मतलब कौन से डीके होंगे ये कोई नहीं बता सकता। कोई भी मान लो मैंने यहाँ पे ये डीके कर दिया यहाँ पे, तो ये डीके हो गए यहाँ पे अभी इतने, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर एन इज नंबर ऑफ अनडीके न्यूक्लियाई कितने बचे, अनडीकेड न्यूक्लियाई ये कितने बचे, एन बचे। तो यहाँ पे सपोज मैंने एन डैश लिख दिया, एन डैश इज इक्वल टू जीरो, इट इज नंबर ऑफ डीकेड न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ डीकेड न्यूक्लियाई ये एन है। तो यहाँ पे एन डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन नॉट माइनस एन, क्योंकि बचे कितने एन। तो डीके कितने हो गए, पहले कितने थे एन नॉट अनडीके थे, अब कितने बचे एन बचे, तो डीके कितने हो गए एन नॉट माइनस एन। तो यहाँ पे एन डैश का मतलब क्या हो गया, इट इज नंबर ऑफ डीकेड न्यूक्लियाई। फिर यहां से आप t प्लस डी टी टाइम के बाद देखोगे, तो t प्लस डी टी टाइम के बाद में अब इसमें से भी कुछ और, इस सैंपल से कुछ और न्यूक्लियाई डीके हो जाएंगे। तो सपोज ये डीके हो गया, ये डीके हो गया, ये डीके हो गया, ये डीके हो गया। तो अब अनडीके कितने बचे यहाँ पे, एन माइनस डी एन इज अनडीकेड न्यूक्लियाई, ठीक है। यहाँ पे एन माइनस डी एन इज अनडीकेड न्यूक्लियाई। तो आफ्टर डी टी टाइम कितने और डीके हो गए, डी एन और डीके हो गए, तो बचे कितने एन माइनस डी एन बचे। तो फिर जो रेडियो एक्टिव लॉ है कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेडियो एक्टिविटी लॉ, यहां से मैं रिलेट कर रहा हूं, माइनस ऑफ डी एन अपॉन डी टी इज प्रोपोर्शनल टू एन, ये है बेटा लॉ, रेडियो एक्टिव लॉ। व्हाट इज डी एन अपॉन डी टी, और माइनस साइन क्या शो कर रहा है, अनडीके न्यूक्लियाई का जो नंबर है धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो डी एन अपॉन डी टी का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ डीके या फिर रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, या रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, एनी टाइम टी पे नंबर ऑफ अनडीकेड न्यूक्लियाई की प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, डीएन अपॉन डीटी का मतलब इट इज रेट ऑफ डीके, ठीक है, रेट ऑफ डीके इसका मतलब है, ठीक है, रेट ऑफ डीके। तो रेट ऑफ डीके ये किसके प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ अनडीके न्यूक्लियाई के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया इतना कि कोई डाउट है, हेलो क्लियर हो गया, कोई डाउट है, क्लियर हो गया, कोई डाउट है, हेलो समझ गया सर। सर हाँ बोलो, टी प्लस डेल्टा टी पे एन माइनस डी एन कैसे आया, टी प्लस डी टी टाइम पे डी एन और डी के हो गए ना, तो बचेंगे कितने एन माइनस डी एन अन डी के बचेंगे ना, समझ गया। हाँ सर, हाँ डीके मतलब जो और डिसइंटीग्रेट हो गया, किसी और न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गए, है ना। तो एक्चुअल में जो रेडियो एक्टिविटी लॉ है तुम्हारा, ये है क्या, माइनस डीएन अपॉन डीटी, माइनस साइन क्या शो कर रहा है, क्योंकि अनडीके न्यूक्लियाई का जो नंबर है वो धीरे धीरे कंटिन्यूअसली क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। तो रेडियो एक्टिविटी लॉ क्या है, रेट ऑफ डीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनडीके न्यूक्लियाई। भाई रेट किस पे डिपेंड करेगा, डीके होने का रेट, डीके होने का रेट मतलब इनके टूटने का रेट, मैं गलत लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, टूटना नहीं होता यहाँ पे। न्यूक्लियस क्या होते हैं ना, जैसे अल्फा पार्टिकल या बीटा या गामा रेस एमिट करते हैं फाइनली, तो उसको हम डीके बोल रहे हैं। तो मैं कॉमन लैंग्वेज में टूटना बोल रहा हूँ, तो किस रेट से ये टूट रहे हैं वो किसके प्रोपोर्शनल है, जितने बचे हुए हैं, है ना भाई, जो टूट गए हम उनकी बात ही नहीं करेंगे। तो जो रेट ऑफ डीके है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ अनडीके न्यूक्लियाई के प्रोपोर्शनल होता है। बात समझ गए या नहीं, समझ गए, हेलो, अरे समझ गए कि नहीं, हेलो, ये समझ गए, यस सर। हाँ अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, ले लिए इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए। सर आपकी स्क्रीन सर एकदम ब्लैंक दिख रही है। क्या बेटा, आपकी स्क्रीन ब्लैंक दिख रही है। नहीं ना रे, बराबर है मेरे तरफ से, शांत हो, मैं एक बार अपने तरफ से देख लेता हूँ, नेटवर्क चेक कर, इधर से बराबर है, कोई इशू नहीं इधर से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन अभी, है ना, इस पे
नाउ दिस इज पेज नंबर 3 और लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी. तो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी अपन ने अभी देखा, क्या है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी? माइनस डीएन अपॉन डीटी इज प्रोपोर्शनल टू एन. ठीक है, तो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या है, यहां पे मैं वर्डिंग में लिख दूं, रेट ऑफ डीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनडीकेड न्यूक्लियाई. रेट ऑफ डीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनडीकेड न्यूक्लियाई. ठीक है, ये इसके प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ डीके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनडीकेड न्यूक्लियाई. मतलब यहां पर ये कोई सैंपल आपने लिया है जिसपे दिस इज एनी सैंपल, और ये t इक्वल्स टू जीरो पे एन नॉट यहाँ पे अनडीके न्यूक्लियाई है. कुछ देर बाद यहाँ पे कुछ न्यूक्लियाई क्या हो जाएंगे, डीके हो जाएंगे, टूट जाएंगे, डिसेंटीग्रेट हो जाएंगे. तो एट टाइम टी पे अब कितने बचे, एन बचे. तो फर्दर यहाँ पे जो रेट है, रेट ऑफ डीके, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, इस टर्म के प्रोपोर्शनल है. तो रिमेंबर दिस, दिस इज द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी. और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो कुछ कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा. तो माइनस डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू लैम्डा इन टू एन. तो ये आ गई भाई कहानी यहाँ पे, ये लैम्डा ये कॉन्स्टेंट है, एंड ये लैम्डा क्या है भाई यहाँ पे, दिस इज नोन एज डीके कॉन्स्टेंट. ये होता है डीके कॉन्स्टेंट. ठीक है, दिस इज डीके कॉन्स्टेंट. और इसकी यूनिट क्या बनेगी, क्योंकि नंबर की तो कोई यूनिट नहीं होती है, तो डीके कॉन्स्टेंट की यूनिट क्या रहेगी, आइदर पर सेकेंड और पर मिनट और पर आवर एक्सेट्रा, ये इसकी यूनिट आएगी, डीके कॉन्स्टेंट की यूनिट, आइदर पर सेकेंड और पर मिनट और पर आवर और पर मंथ और पर ईयर, ये सब चलती है इसमें यूनिट है डीके कॉन्स्टेंट की. सो और आइदर इन पर मंथ और पर ईयर एक्सेट्रा, ये क्या है यहाँ पे, डीके कॉन्स्टेंट की यूनिट है. तो ये जो डीके कॉन्स्टेंट होता है ना, ये किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल, एक्सटर्नल फैक्टर पे ये डिपेंड नहीं करता है. सो इट डिपेंड्स ऑन लैम्डा, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल. रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या है, इसके नेचर पे ये डिपेंड करेगा, बाकी फैक्टर पे ये डिपेंड नहीं करता है, ध्यान रखना. ठीक है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल. ठीक है ना, क्लियर हो गया इतना कि नहीं? हेलो, क्लियर हो गया? इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल. ठीक है, हेलो, अरे समझ गए, लो समझ गए? हाँ, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और अब फिर हम यहाँ पे आगे इसको इंटीग्रेट करके नंबर ऑफ अनडीके न्यूक्लियाई का कैलकुलेशन करते हैं. तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग. हो गया क्या? यस सर. नाउ दिस इज पेज नंबर 4 तो ये जो रेडियो एक्टिव लॉ आया यहां पे, माइनस डीएन अपॉन डीटी इज इक्वल टू लैम्डा एन, इसको रीअरेंज करते हैं अपन. डीएन डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इनटू डीटी. लिख सकते हैं कि नहीं है सर? हेलो, लिख सकते हो? हेलो यस सर. अब इसको इंटीग्रेट कर दो. अच्छा तुम्हें बताऊं, ये जो कॉन्सेप्ट अपन पढ़ रहे हैं ना, आप लोगों ने केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स पढ़े हो ना,
यस सर, कुछ वैसी कहानी आने वाली इसमें, हाफ लाइफ और ये सब आने वाला है। और ये जो कहानी थी जो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग में भी हमने पढ़े थे, तो केमिकल काइनेटिक्स में जैसे पढ़े हो बिल्कुल कुछ वैसे ही आने वाला है। तो dN अपॉन n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा dt, और इसको इंटीग्रेट कर दो। dN अपॉन n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन dt। तो नंबर ऑफ n d के न्यूक्लियाई एट एनी टाइम t पे आपको पता चल जाएगा कितना आएगा। तो देखो जब t की वैल्यू जीरो है, तो t की वैल्यू जीरो पे नंबर ऑफ n d के न्यूक्लियाई कितने हैं, n नॉट। एनी टाइम टी पे नंबर ऑफ अनडीके न्यूक्लियाई कितने बचे, एन बचे। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, बाउंड्री कंडीशन समझ गए, लिमिट समझ गए। जब टी की वैल्यू जीरो है तो नंबर ऑफ अनडीके न्यूक्लियाई कितने हैं, एन नॉट। और एनी टाइम टी पे नंबर ऑफ अनडीके न्यूक्लियाई कितने हैं, एन के बराबर है। ठीक है, तो यहां पे अब इसको सॉल्व करोगे आप तो इसका इंटीग्रेशन आएगा बेटा लॉग एन, और लिमिट है n से लेकर n नॉट, एंड माइनस लैम्डा t बचेगा। सो दिस इज, दिस कैन बी रिटन एज यहाँ पे log n माइनस log n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t। ठीक है, और इसको अगर मैं रीअरेंज कर दूं तो log n डिवाइडेड बाय n नॉट, मतलब log m माइनस log n वाला फॉर्मूला लगा दिए, प्रॉपर्टी लगा दी log की, तो इक्वल टू बचेगा माइनस लैम्डा इंटू t। और अगर यहां से लॉग हटाओगे तो राइट साइड में क्या लग जाएगा, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लग जाएगा e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। सो n विल बी गिवन बाय n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। दिस इज द नंबर ऑफ अनडीके न्यूक्लियाई एट एनी टाइम टी। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो अनडीके न्यूक्लियाई वो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बचेंगे आपके। तो n इज इक्वल टू n नॉट into e to the power minus lambda t के फॉर्म पे नंबर ऑफ अनडीके न्यूक्लियाई बचेंगे। ठीक है, समझ गए ये डेरिवेशन कि नहीं? हेलो, डेरिवेशन समझ गए? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए क्या? डेरिवेशन समझ गए? कोई डाउट है तो पूछो। ये डेरिवेशन नंबर ऑफ अनडीके न्यूक्लियाई इस तरह से लिखोगे, ठीक है? और ये वाली इक्वेशन को भी रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं। यहाँ पे रीअरेंज करने का मतलब इसको मैं इधर ले आऊं और इसको इधर ले जा लूं, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी कि log n इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी प्लस log n नॉट। आप ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर एक और तरीका है लिखने का, log n नॉट माइनस log n इज इक्वल्स टू लैम्डा टी, ऐसा भी हम इसको लिखेंगे। ठीक है, log n नॉट माइनस log n, माइनस साइन हट जाएगा, इनको आपस में रीअरेंज कर दोगे, मतलब ये वाले टर्म को पहले, इसको बाद में, तो यहाँ माइनस साइन हटा के आप ऐसा लिख सकते हो। तो रिमेम्बर दिस, अब मैं यहाँ पे इनको मिटा के जस्ट जो इक्वेशंस हैं उसके साथ में हम अब जा रहे हैं इस पेज का। अभी स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, फिर अगले पेज पे जा रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए स्क्रीनशॉट? ले लिए क्या? Yes, sir. And then, अब हम सीधे सीधे आते हैं इस पे। तो ये तो हो गया आपका लॉ, है ना, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। सो यहां पे चाहो तो आप इसको अब नोट पे ध्यान रखना। हाँ, मान लो एट यहां पे हम एक रेडियो एक्टिव सैंपल हमने लिया है, दिस इज एनी रेडियो एक्टिव सैंपल, और t equals to zero पे इस पे number of undecayed nuclei, तो यहाँ पे number of undecayed nuclei, फिर decayed nuclei, number of undecayed nuclei and number of decayed nuclei, ठीक है? तो any time t पे Thank you.
ये कुछ डीके हो गए, तो यहाँ पे ये एन नॉट है और ये जीरो है, यहाँ पे ये कितना बचेगा, एन बचेगा, और ये एन डैश इज इक्वल टू एन नॉट माइनस एन बचेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ अनडीके न्यूक्लियाई यहाँ पे एन बच रहा है एन ए टाइम टी पे। तो अब मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे, नाउ दिस इज पेज नंबर 5। ये फार्मूला किसके इक्वल आ गया यहाँ पे भाई, नंबर ऑफ अनडीके न्यूक्लियाई का फार्मूला कितना आ गया, एन इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी से डिनोट करोगे, और नंबर ऑफ डीके न्यूक्लियाई, तो नंबर ऑफ डीके न्यूक्लियाई मतलब एन डैश इज इक्वल टू एन नॉट माइनस एन। तो यहाँ पे एन नॉट और एन की वैल्यू किसके बराबर है, एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, इसमें से आप एन नॉट को बाहर निकाल दोगे, 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा टी बचेगा, ठीक है ना, समझ गए इतना। तो नंबर ऑफ अनडीके न्यूक्लियाई आफ्टर टाइम टी, ये फार्मूला यहाँ पे, दिस इज नंबर ऑफ अनडीके न्यूक्लियाई, ठीक है ना। तो ये क्या है यहाँ पे, दिस इज नंबर ऑफ अनडीकेड न्यूक्लियाई एट टाइम टी पे, और ये जो टर्म है यहाँ पे ये किसके बराबर है, दिस इज नंबर ऑफ डीके न्यूक्लियाई है एट एनी टाइम टी पे। सो दिस इज नंबर ऑफ डीकेड न्यूक्लियाई, तो नंबर ऑफ डीकेड इस फार्मूले से दिया जाएगा और नंबर ऑफ अनडीकेड न्यूक्लियाई इस फार्मूले से दिया जाएगा। एंड वन मोर थिंग, हमने ये भी लिखा था अभी कि लॉग ऑफ एन नॉट माइनस लॉग एन इज इक्वल टू लैम्डा टी है, सो देयरफॉर लॉग एन नॉट डिवाइडेड बाय एन, ऐसा भी आप लिख सकते हो, इक्वल टू लैम्डा टी। सो दिस इज वन ऑफ द फार्मूला, या फिर आप टाइम का जो कैलकुलेशन है 1 बाई लैम्डा लॉग ऑफ एन नॉट डिवाइडेड बाय एन से भी इस तरह का कैलकुलेशन करोगे। तो अब याद करो केमिकल काइनेटिक्स में भी कुछ इस तरह से इक्वेशंस आ रही थी क्या, ध्यान सोचो अभी केमिकल काइनेटिक्स में भी कुछ ऐसी इक्वेशंस आई है क्या, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, आई है क्या केमिकल काइनेटिक्स में? यस सर। तो ये तीन फार्मूले ध्यान रखो, वैसे एक याद है ना, तो बाकी आप ऑटोमेटिकली लिख सकते हो आप, कौन सा वाला, एन इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, अगर ये याद है तो आप बाकी फार्मूले को भी लिख सकते हो, ठीक है, मुश्किल काम नहीं, तो एक को याद करो बाकी ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो एन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, नंबर ऑफ अनडीकेड न्यूक्लियाई, ठीक है, और एन डैश का मतलब नंबर ऑफ डीकेड न्यूक्लियाई, और एक फार्मूला टी इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा लॉग एन नॉट अपॉन एन। क्लियर हो गया इतना कि कोई डाउट है अभी भाई? अरे क्लियर हो गया, डाउट है जल्दी बताओ, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सर। हाँ अच्छा, ये एन इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, और कहां पे ऐसा फार्मूला आया था, और कहां कहां पे आया, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में आया था, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन, यस सर, टी बाय टाउ, यस सर, टी बाय टाउ, और फिर करंट डीके इन एलआर सर्किट और करंट ग्रोथ इन एलआर सर्किट में भी कुछ इसी तरह से फार्मूले आए थे, और फिर डैम्ड ऑसिलेशन में भी एम्पलीट्यूड के लिए इस तरह से फार्मूला आया था और एनर्जी के लिए इस तरह से फार्मूला आया था, याद है, डैम्ड ऑसिलेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, यस सर, तो वहां पर भी इस तरह के फार्मूले मिले। तो अब क्या करो, कॉपी पे आप जहां जहां पे इस तरह के सिमिलर फार्मूले देखे हैं, रेडियो एक्टिविटी में आपको दिख रहे हैं, कैपेसिटर में आपको देखे थे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, इंडक्टर कॉइल में आपको देखे थे, और डैम्ड ऑसिलेशन में देखे थे, इनको सबको साथ में लिख लो, एक शॉर्ट नोट बना लो सबको साथ में लिख के, तो पढ़ने में आपको आसानी रहेगी, आपको रिलेट करने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो इस पेज का स्क्रीन शॉट ले लो आप लोग, आगे बढ़ते हैं अपन, अब कुछ नए टर्म हम डिफाइन करते हैं, अब हाफ लाइफ एंड एवरेज लाइफ क्या होती है, स्क्रीन शॉट लो इस पेज का, हाफ लाइफ एंड एवरेज लाइफ अब डिफाइन करते हैं, ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट? यस सर। देन अब हम यहाँ पे डिफाइन करने वाले हाफ लाइफ एंड एवरेज लाइफ, तो हाफ लाइफ क्या होती है एंड एवरेज लाइफ क्या होती है, तो नेक्स्ट है फिर हाफ लाइफ, हाफ लाइफ इसको हम डिनोट कर रहे हैं टी हाफ से, व्हाट इज हाफ लाइफ बता सकते हो कोई, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन आता है ना केमिकल काइनेटिक्स में कि नहीं आता सर? उससे अपना 50% मास डिसइंटीग्रेट करने में कितना टाइम लगेगा?
मास नहीं, न्यूक्लियाई कितने बचेंगे डिसइंटीग्रेट, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में आधा रिएक्शन होने में कितना टाइम लगेगा और यहाँ पे आधे न्यूक्लियाई को डिसइंटीग्रेट होने में कितना टाइम लगेगा। तो हाफ लाइफ की जो काउंटिंग है, ध्यान देना ये सिंबल अपनी यूजुअल मीनिंग पे है। इक्वल्स टू जीरो पे ये जैसे तुम्हारे पास यहाँ पे कुछ न्यूक्लियाई मैंने लिया, तो एन नॉट ये अनडीके वाले हो गए और ठीक है, एंड डीकेड वाले कितने हो गए एन डैश, दिस इज इक्वल्स टू जीरो। तो आफ्टर वन हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ के बाद टी इक्वल्स टू फर्स्ट हाफ लाइफ में यहां पे ये जो है ना अनडीके वाले ये कितने बचेंगे एन, एन की वैल्यू कितनी होगी एन नॉट बाई टू होगी, और डीके वाले कितने हो जाएंगे इट इज अगेन एन नॉट बाई टू, आधे ये भी हो गए। और फिर अगली हाफ लाइफ में नेक्स्ट टी इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ टी हाफ लाइफ, तो अब ये जो अनडीके है ना ये कितने बचेंगे एन नॉट बाई टू का भी आधा, मतलब दे आर एन नॉट बाई फोर, और डीके वाले कितने हो जाएंगे अब, तो डीके वाले कितने हो गए एन नॉट बाई टू पहले से हो गए थे और अब ये यहां पे और इतने कितने डीके हो गए अभी और यहाँ पे बताओ अभी कैसे कैलकुलेट करोगे एन डैस की वैल्यू कैसे आती है आपकी एन नॉट माइनस एन, सो इट इज एन नॉट माइनस एन नॉट बाई फोर, सो इट इज थ्री बाई फोर ऑफ एन नॉट। तो इसको आप चाहो तो 50% बोल सकते हो ना, दिस इज इक्वल टू 50% ऑफ एन नॉट, और ये वाली वैल्यू भी कितनी है 50% ऑफ एन नॉट है ना, और ये वैल्यू कितनी है अब यहाँ पे इट इज 25% ऑफ एन नॉट, और ये वाली वैल्यू कितनी इट इज 75% ऑफ एन नॉट, 3/4 मतलब 75% हो गए एन नॉट के डीके हो गए, और ये कितने बचे एन डीके कितने बचे। फिर एक और हाफ लाइफ अगर अपन ले ले यहाँ पे आगे कंटिन्यू कर दें तो टी इज इक्वल टू थ्री हाफ लाइफ के बाद, तो आफ्टर थ्री हाफ लाइफ अनडीके कितने बचेंगे अब यहाँ पे अनडीके कितने बचेंगे, तो एन की वैल्यू आ जाएगी अब यहाँ पे एन नॉट बाई फोर का भी आधा, मतलब एन नॉट बाई एट, और जो डीके वाले हैं यहाँ पे एन डैश इज इक्वल टू एन माइनस एन नॉट, सॉरी एन नॉट माइनस एन, तो इट इज एन नॉट माइनस एन नॉट बाई एट, सो इट इज 7/8 ऑफ एन नॉट, मतलब 70। अब यहाँ पे ये एन नॉट बाई एट मतलब ये कितना परसेंट, इट इज 12.5% ऑफ एन नॉट आएगा ये, ठीक है समझ गए कि नहीं। तो इस तरह से सक्सेसिव हाफ लाइफ को आप ऐसे काउंट कर सकते हो, समझ गए। तो एक हाफ लाइफ के बाद कितने बचेंगे अनडीके 50%, दो हाफ लाइफ के बाद कितने बचेंगे 25%, आफ्टर थ्री हाफ लाइफ कितने बचेंगे 12.5%, मतलब हर बार जो प्रीवियस वैल्यू होती है उसका आधा करते जाना है, ठीक है। और डीके वाले में क्या करते जाना, हर बार जो प्रीवियस वैल्यू होती है उसमें उतना ऐड करते जाना है, या आपके पास सीधा सीधा फार्मूला है एन नॉट माइनस एन करते जाओ उसके करस्पॉन्डिंग रिजल्ट से, तो वैल्यू कैलकुलेट होते जाएगी, ठीक है समझ गए। हेलो, अरे समझ गए कि नहीं, हेलो समझ गए या नहीं जल्दी बताओ। समझ गए सर। अभी स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिया, ले लिया क्या? यस सर। तो हाफ लाइफ के लिए फार्मूला क्या बनेगा हमारे पास में, हाफ लाइफ का कैलकुलेशन कैसे आएगा, सिंस लॉग ऑफ एन नॉट डिवाइड, हमारे पास टी इक्वल टू फार्मूला क्या था, टाइम टी विल बी गिवन बाय 1/ लैम्डा लॉग ऑफ एन नॉट डिवाइडेड बाय एन, ये फार्मूला था कि नहीं हाफ लाइफ, ये टाइम टी के लिए ये फार्मूला था ना। पेज नंबर 7 पे आते हैं हम अगले कैलकुलेशन पे, तो हाफ लाइफ का कैलकुलेशन यहां पर से हो जाएगा आपका, टी इक्वल टू इतना है, तो नाउ टी इक्वल टू जीरो से टी इक्वल टू टी हाफ लाइफ के इंटरवल में एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अनडीके की वैल्यू एन नॉट बाई टू होगी, सो देयरफॉर ये जो टाइम है
टी हाफ लाइफ इट इज 1 बाय लैम्डा लॉग ऑफ एन नॉट डिवाइडेड बाय कितना पुट कर दोगे एन नॉट बाय 2 तो एन नॉट से एन नॉट हो जाएगा कैंसिल इट इज 1 बाय लैम्डा लॉग 2 बचेगा सो दिस इज इक्वल्स टू टी हाफ लाइफ तो रिमेंबर व्हाट इज हाफ लाइफ हियर हाफ लाइफ का फार्मूला आ गया आपके पास लॉग 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा और नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू होती 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा तो रिमेंबर दिस रिजल्ट व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल ये फार्मूला है आपका हाफ लाइफ के लिए तो हाफ लाइफ किसके इक्वल है लॉग 2 डिवाइडेड बाय एन बराबर है क्लियर हो गया इतना कि नहीं हाफ लाइफ का मतलब अरे समझ गए यस सर और एक और होता है यहाँ पे एवरेज लाइफ तो ये तो हाफ लाइफ के लिए है एक और फार्मूला होता है दैट इज फॉर एवरेज लाइफ हाँ एवरेज लाइफ तो टी एवरेज मतलब ओवरऑल जो एवरेज लाइफ होती है न्यूक्लियाई की तो मैं यहाँ पे विदाउट डेरिवेशन इस पे एवरेज लाइफ का जो कैलकुलेशन है एन डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डी टी ये कंटिन्यूस फंक्शन का जो एवरेज निकालने का तरीका अपन ने सीखे थे याद है ना जैसे साइन का एवरेज कैसे निकालते या कॉस का एवरेज कैसे निकालते तो यहाँ पे एन क्या है एक कंटिन्यूस फंक्शन है बेसिकली जिसपे एन की वैल्यू आपके पास एन नॉट ए की पावर माइनस लैम्डा टी है तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है और इसका अगर आपको एवरेज लाइफ निकालना है तो जीरो से इंफिनिटी तक को, क्योंकि सभी न्यूक्लियाई को डिसइंटीग्रेट होने के लिए कितना टाइम लगेगा इंफिनिटी तो जीरो से लेकर इंफिनिटी तक यहाँ पे आपको इंटीग्रेट करना है ठीक है तो दिस इज एन लैम्डा डी टी एंड दिस इज फॉर एन डी एन को लेके इसको इंटीग्रेट करोगे तो मैं ओवरऑल एवरेज लाइफ यहाँ पे कैलकुलेट करके बता रहा हूँ इस पे एवरेज लाइफ कितनी है सभी न्यूक्लियाई की बट मैं फार्मूले पे नहीं जा रहा हूँ आप तो फार्मूले पे नहीं जाओ यहाँ पे सीधे सीधे हमारे लिए फार्मूले का कोई सेंस है नहीं तो जो एवरेज लाइफ होती है इट इज गिवन बाय 1 बाय लैम्डा मतलब सभी न्यूक्लियाई को डिसइंटीग्रेट होने में एवरेज कितनी लाइफ या कितनी लाइफ तक ये सर्वाइव करते तो ये किसके इक्वल होता है 1 बाय लैम्डा के और हाफ लाइफ किसके इक्वल होता है लॉग 2 बाय लैम्डा तो कौन सी वाली वैल्यू बड़ी है एवरेज लाइफ वाली वैल्यू बड़ी है कि हाफ लाइफ वाली वैल्यू बड़ी है अरे समझ गए कि नहीं हेलो कौन सी वाली वैल्यू बड़ी है एवरेज लाइफ बड़ी है या फिर हाफ लाइफ बड़ी है ये एवरेज 1 बाय लैम्डा और ये यहां पे वैल्यू छोटी है ना यहां पे 0.6 है ना तो व्हिच इज ग्रेटर Which is greater? So therefore, T half life is equals to 0.693 into T average life. So therefore, average life is greater than half life. तो दोनों में आपस में ये relationship है average life में और half life में और value कौन सी ज्यादा बड़ी होती है Average life बड़ी होती है half life छोटी होती है ठीक है Screenshot ले लो इस पेज का अगले पेज पे जा रहे हैं अपन अब हाफ लाइफ समझ गए कैलकुलेशन समझ गए कि नहीं हाफ लाइफ का हेलो हाफ लाइफ समझ गए कैलकुलेशन और हाफ अरे समझ गए कि नहीं समझ गए सर स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो हो गया सर हाँ बोलो सर यहाँ पे टी एवरेज बड़ा कैसे आएगा अरे 0.693 एक से बड़ी है कि छोटी वैल्यू है सर वो 0.693 टाइम्स ऑफ एवरेज वैल्यू है ना हाँ हाँ हाफ लाइफ तो फिर हाफ लाइफ बड़ी होनी चाहिए ना क्योंकि कुछ भी वैल्यू रहे वो 0.693 टाइम्स बड़ी रहेगी ना सोचो फिर से एक मिनट बड़ी कौन सी हाफ लाइफ या एवरेज लाइफ सर
टी एवरेज इक्वल्स टू 0.693 इनटू हाफ लाइफ होना चाहिए ना? नहीं ना, ये तो बराबर लेगा, टी हाफ लाइफ में कितना लेगा, 0.693 इन अपॉन लैम्डा है ना, तो 1 बाय लैम्डा एवरेज हो गया, तो बराबर तो लेगा वो इक्वेशन। ये छोटी बड़ी में कंफ्यूजन हुआ है ये वाला सर, एवरेज ही बड़ी आएंगी क्योंकि 0.693 1 से कुछ छोटा है ना। हाँ, ये 1 से छोटा है ना, तो यहाँ पे ये वैल्यू बड़ी होगी तब तो इसको कंपनसेट करेगी ना ये। सर वैसे नहीं, अगर टी एवरेज की वैल्यू आप कुछ भी डालो तो वो उसको आप 0.693 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वो बड़ी आएंगी ना। उल्टा कर देते हैं अपन, चल टी एवरेज अगर लिखूं मैं यहाँ पे तो ये आएगा 1/0.693 इंटू टी हाफ लाइफ, और यहाँ पे कुछ अगर आएगा तो ये वैल्यू 1 से ग्रेटर बनेगी ना। अब समझ गया सर। समझ गया अभी तो बराबर है अभी आसना? हाँ सर। हाफ लाइफ इज ग्रेटर देन एवरेज लाइफ, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया क्या, हो गया स्क्रीनशॉट लेके? यस सर। अब हम कुछ ग्राफ देख ले रहे हैं यहाँ पे। हाँ, रेडियो एक्टिविटी में जो ग्राफ आ रहा है हमारे पास में, पॉइंट 8 पे ग्राफ कैसे बनेंगे इनके, ठीक है। नाउ दिस इज पेज नंबर 8। ग्राफ हम अगर ध्यान दें यहाँ पे, ग्राफ कैसा बनेगा, देखो सबसे पहले हम किसके बीच में प्लॉट कर लें, एन वर्सेस टी के बीच में, और दूसरा ग्राफ हम प्लॉट कर लेंगे एन डैश वर्सेस टी के बीच में। तो यहां पर एन की वैल्यू कितनी होती, एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी होती है, और एन डैश की वैल्यू एन नॉट माइनस एन, तो एन नॉट इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा टी, बराबर है, ये पढ़े थे ना अपन ने। तो ये n क्या है, नंबर ऑफ अनडीके न्यूक्लियाई, और n डैश क्या है, नंबर ऑफ डीके न्यूक्लियाई। ग्राफ कैसा बनेगा देखो अभी, तो ग्राफ के लिए आपने x एक्सिस पे टाइम ले लो और ये y एक्सिस पे आप n ले लो, तो यहां से आप चालू करो n नॉट से, ये n आपने इधर लिया, n नॉट से चालू करो, ये है फर्स्ट हाफ लाइफ, ये है सेकेंड हाफ लाइफ, फिर ये हो जाएगा आपका थर्ड हाफ लाइफ, और ये हो जाएगा आपका फोर्थ हाफ लाइफ। तो पहली हाफ लाइफ में कितना बचता है, एन नॉट बाई टू, दूसरी हाफ लाइफ में एन नॉट बाई फोर, तीसरी हाफ लाइफ में एन नॉट बाई एट, और छोटा होता जाएगा। तो पहली हाफ लाइफ के बाद में नंबर ऑफ अनडीके न्यूक्लियाई एन नॉट बाई टू बचेंगे, दूसरी हाफ लाइफ के बाद में कितने बचेंगे, एन नॉट बाई फोर बचेंगे, आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ ये कितने बचेंगे, एन नॉट बाई एट, और उसके बाद फिर एन नॉट बाई 16। तो जो ग्राफ मिलेगा यहाँ पे आपको, ये कुछ इस तरह से ग्राफ मिलेगा, फ्री हैंड ड्रॉ करना, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में भी इस तरह के ग्राफ मिले थे, याद है कि नहीं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में भी ऐसे कुछ ग्राफ आए थे। तो सभी न्यूक्लियाई को डीके होने के लिए कितना टाइम लगता है, इनफाइनाइट टाइम लगता है, क्लियर हो गया। तो ये 50% ये 25% ये 12.5% एंड फर्दर और डिक्रीज होते जाएंगे ये वैल्यू। तो यहाँ पे नाउ टी टेंस टू जीरो मतलब एन टेंस टू, सॉरी टी टेंस टू इन्फिनिटी पे, टी टेंस टू इन्फिनिटी पे एन टेंस टू कितना बचेगा, जीरो, क्योंकि ई की पावर माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो होता है। तो सभी न्यूक्लियाई को डिसेंटीग्रेट होने पे, ब्रेक होने पे, टूटने पे, या डीके होने पे कितना टाइम लगता है, इनफाइनाइट टाइम लगता है। तो जैसे कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग में इनफाइनाइट टाइम लगता था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे ये वाला ग्राफ बना। एंड सेकंड यहाँ पर का ग्राफ अगर अपन प्लॉट करें इसके लिए, तो ग्राफ देखो ऐसा कुछ आएगा, इधर पे टाइम टी ले लो और इधर पे एन डैश ले लो, और यहाँ पे आ जाएगा आपका एन नॉट। तो ये जीरो से एन नॉट बाई टू, फिर 3/4 एन नॉट, एंड ये इस तरह से आता जाएगा, दिस इज फॉर फर्स्ट हाफ लाइफ, दिस इज फॉर सेकेंड हाफ लाइफ, एंड देन थर्ड हाफ लाइफ, ठीक है।
ये जो ग्राफ आएंगे ये जीरो से चालू होगा नंबर ऑफ डीके न्यूक्लियाई का, तो एक हाफ लाइफ के बाद कितने डीके हो जाएंगे इसके, फिर दो हाफ लाइफ के बाद इतने डीके हो गए, तीन हाफ लाइफ के बाद में 7/8 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो फ्री हैंड जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो ये एक्सपोनेंशियल आएगा और ये इन्फिनिटी पे जाके यहाँ पे इसको टच करेगा। तो मैं अगर यहाँ पे लिख दूं t टेंस टू इन्फिनिटी पे n डैश टेंस टू वैल्यू कितनी आएगी, n नॉट के बराबर आएगी क्योंकि ये वाला टर्म जीरो होगा तो n नॉट बचेगा। तो सभी न्यूक्लियाई को डीके होने में या n नॉट तक पहुंचने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये ग्राफ ले लिए। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। हो गया क्या स्क्रीनशॉट? यस सर। अब हम जा रहे हैं पेज नंबर 9 पे। इस पे एक और ग्राफ हम देख रहे हैं यहां पे इसके बीच में। एक और ग्राफ है, इट इज बिटवीन लॉग एन वर्सेस डीके। तो सिंस हमने पढ़ा था लॉग एन इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी प्लस लॉग एन नॉट। ठीक है, ये समझ गए ये इक्वेशन? अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। log n is equals to minus lambda t plus log n not, इसके साथ 56 पेज में आया था, यहाँ डेरिवेशन जब हमने किए थे ना तब ये इक्वेशन आई थी तुम्हारे पास में। तो बेसिकली यू हैव अ इक्वेशन n log n minus log n not is equals to minus lambda t, तो इससे देखकर मैंने ये लिख दिया। अब नाउ इसमें आप y equals to mx plus c करके देख लो तो जो ग्राफ बनेगा ये कैसा बनेगा। इधर पे टाइम t ले लो और इधर पे आप ले लो log n, तो इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव, यहां से चालू होगा log n नॉट से और स्लोप क्या आएगी इसकी, नेगेटिव स्लोप आएगी। तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ और इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ की जो स्लोप है इट इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा। ठीक है, तो जो स्लोप आएगी ये लैम्डा की इक्वल है, टेन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आएगी यहाँ पे, माइनस लैम्डा की इक्वल आएगी। क्लियर हो गया कि नहीं? स्लोप इज नेगेटिव ना, एम की वैल्यू किसके बराबर है यहाँ पे, लैम्डा के बराबर है ना। अरे समझ गए या नहीं? समझ गए सर। कोई डाउट अभी? तो ये किसके बीच में ग्राफ हो गया, लॉग एन वर्सेस इसके बीच में ग्राफ हो गया। ये पेज नंबर 9 बराबर लिखा ना मैंने, पेज नंबर 9 है ना, तो ये ग्राफ हो गया यहाँ पे। और एक और बात अब यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं और फर्दर ग्राफ के बाद में। अब देखो जो कैलकुलेशन हो रहे थे हमारे हाफ लाइफ के कैलकुलेशन, यहाँ पे आप चाहो तो इसको नोट पे सीधे सीधे लिख दो, n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t है और n डिवाइडेड बाय n नॉट इज इक्वल टू 1/2 की पावर n, डायरेक्ट आप लिख सकते हो, सिंबल अपनी यूजुअल मीनिंग पे है जिसपे n की वैल्यू है t डिवाइडेड बाय t हाफ लाइफ। तो n is equals to t divided by t half life, तो आप डायरेक्ट इस फार्मूले से कैलकुलेशन आप बता सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे t की वैल्यू आप 1/2 life अगर लेते हैं, तो अगर मैं t की वैल्यू t half life ले लूं तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1/2 बचेगा, तो नंबर ऑफ अन डी के न्यूक्लियाई कितने हो गए, n नॉट बाई 2। अगर मैं t की वैल्यू 2/2 life ले लूं तो आपके कैलकुलेशन पूरे आ जाएंगे। t की वैल्यू कितनी रख लो पहले, t half life, फिर t की वैल्यू कितनी रख लो, 2/2 life, फिर t की वैल्यू कितना रख लो, 3/2 life। तो जब तुम ये वाली वैल्यू पुट करते हो तो n नॉट या n की वैल्यू डायरेक्ट आप ऐसा लिख सकते हो सीधा सीधा, दिस इज n नॉट बाई 2 की पावर n। तो अगर 1/2 life यहाँ पे पुट कर रहे हो तो ये कितना बचेगा, n नॉट बाई 2। अगर आप 2 पुट करते हो तो ये वाली वैल्यू कितनी बचेगी, नंबर ऑफ n डी के न्यूक्लियाई इट इज n नॉट बाई 4 बचेगी। और जब आप अगर 3 पुट कर रहे हो तो ये वैल्यू कितनी बचेगी, n नॉट बाई 8 बचेगी। तो रिमेंबर दिस रिजल्ट सीधा सीधा कि आप नंबर ऑफ अनडीके न्यूक्लियाई को डायरेक्ट
इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको हाफ लाइफ दी है तो ये कैलकुलेशन आपके सीधे सीधे इस तरह से हो जाएंगे। सो स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिए सर? हो गया। यस सर। नाउ पेज नंबर 10 पे एक्चुअल में नंबर ऑफ अनडीकेड न्यूक्लियाई एक्सप्लेन करना या बोलना ये थोड़ा इनकन्वीनियंट होता है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी में आप किस रेट से न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो रहा है ये हमारे लिए जानना ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है ना। तो रेट ऑफ डीके जिसको हम एक्टिविटी बोलते हैं उससे हम इसको डिफाइन कर रहे हैं यहां पे। तो नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 10, एक्टिविटी, एक्टिविटी और रेट ऑफ डीके, एक्टिविटी और रेट ऑफ डीके ये यूनिट थोड़ी प्रॉपर होती है रेडियो एक्टिविटी को डिफाइन करने के लिए। तो रेट ऑफ डीके बेसिकली क्या होता है, माइनस डीएन अपॉन डीटी होता है, दिस इज द रेट ऑफ डीके। तो ये रेट ऑफ डीके है, इसी को आप एक्टिविटी बोलते हो। और इसकी जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट इज बैकुरल, बैकुरल। एंड वन बैकुरल का मतलब क्या है, वन बैकुरल का मतलब वन डीके पर सेकेंड होता है, वन बैकुरल इज वन डीके पर सेकेंड। और भी यूनिट होती है जैसे वन क्यूरी, वन क्यूरी 3.6 × 10⁻¹⁰ बैकुरल के बराबर होता है डीके पर सेकेंड। तो क्यूरी भी एक यूनिट होती है एक्टिविटी की या डीके की, रेडियो एक्टिविटी में ये क्यूरी भी एक बहुत कॉमन यूनिट है जिसको यूज करते हैं। इट इज 3.7 × 10⁻¹⁰ बैकुरल। तो वन क्यूरी ये भी रेडियो एक्टिविटी को डिफाइन करने की यूनिट है। तो एक्टिविटी या रेट ऑफ डीके इज दिस टर्म, बट माइनस डी बाई डीटी, एन की वैल्यू ऑलरेडी हमने कितना पढ़ा है, एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी पढ़ा है। इसको सिंप्लीफाई अगर मैं कर दूं यहां पे तो एन नॉट आपका जाएगा बाहर, तो एन नॉट बाहर और ई की पावर लैम्डा माइनस लैम्डा टी और फिर से इंटू माइनस लैम्डा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इट इज n नॉट इंटू लैमडा e की पावर माइनस लैमडा t, इसको आप इनिशियल एक्टिविटी बोल सकते हो। सो r कैन बी रिटन एज r नॉट e की पावर माइनस लैमडा t, ठीक है। ये है एक्टिविटी या फिर रेट ऑफ डीके को डिफाइन करने का टर्म। तो यहाँ पे r नॉट क्या है, r नॉट इज इक्वल टू n नॉट इंटू लैमडा, दिस इज नोन एज इनिशियल एक्टिविटी। ये इनिशियल एक्टिविटी होती है, इनिशियल एक्टिविटी किसका प्रोडक्ट है, नंबर ऑफ अनडीके न्यूक्लियाई इनटू डीके कांस्टेंट का। तो ये कहलाता है इनिशियल एक्टिविटी, ठीक है। तो ये कन्वीनियंट वे होता है रेडियो एक्टिविटी को डिफाइन करने का, रेदर देन एन इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, क्योंकि नंबर ऑफ अनडीके न्यूक्लियाई बोलना थोड़ा इनकन्वीनियंट है, कौन काउंट करते बैठेगा नंबर ऑफ अनडीके न्यूक्लियाई, बजाय इसके कि हम उसकी एक्टिविटी कैलकुलेट कर लें, ठीक है।